2017 की ऑटोमेटिक मेहरान अभी हम लोग के पास मौजूद है। तो नंबर प्लेट जो है ना इसकी, नंबर प्लेट नहीं है, नंबर प्लेट भी इसकी वो चली गई थी, मगर डुप्लीकेट इशू हो जाएंगी उसके साथ। 2016 की मेहरान अभी हम लोग के पास मौजूद है। तो जो भी तौर पे ऑटो के जो शौकीन है ना, देखें उनके लिए जो है ये अच्छी एक 2018 की मेहरान अभी हम लोग को जो है वो मिल चुकी है। तो जो भी हमारे भाई थे, तो ये सारे आप लोग देख रहे हैं पावर विंडोज आप लोग को इसके अंदर जो है वो नजर आ रही होंगी। बाकी 2017 की ऑटोमेटिक मेहरान अभी हम लोग के पास मौजूद है। तो जो लोग हमारे शौकीन हैं, खास तौर पे जो बोलते हैं हसन भाई पंजाब नंबर की गाड़ी हो, साफ सुथरी गाड़ी हो, तो भाई ये गाड़ी जो है वो आप लोग देख लें। तो खास तौर पे ऑटो के जो शौकीन है ना, देखें उनके लिए जो है ये अच्छी एक एडवांटेज है कि भाई उनको मेहरान मिली है और प्लस जो है वो 660 cc और मेहरान ही मिल रही है, सस्ते पार्ट्स वाली जो है वो सीन हो जाता है। तो इसकी जो मजीद डिटेल्स हैं, जो गाड़ी के ऑनर हैं, जब मैं उनसे बातचीत करूंगा तो आप लोगों को हर चीज़ जो है बताऊंगा कि गाड़ी का क्या हिसाब किताब है। 2 से 3 पीस गाड़ी के जो है इन्होंने टचअप बताया मुझे, बाकी है कि अभी हम खुद भी देख लेंगे थोड़ा बहुत, जो अगर हमें लगेगा तो हम जो है वो चीज़ें मालूम करेंगे। तो गाड़ी की फ्रंट साइड देखिए आप लोगों ने, गाड़ी की बैक साइड पे हम लोग आ चुके हैं, दोनों लाइट्स आप लोग गाड़ी की जो है वो देखें। अच्छा, बैक पे नंबर प्लेट ओरिजिनल मेरे ख्याल से नहीं लगी हुई, बाकी है कि ये सारी चीज़ें भी जो गाड़ी के ऑनर हैं उन्हीं से हम लोग मालूम करेंगे इसके ईच एंड एवरीथिंग, यानी कि डॉक्यूमेंट्स के हवाले से हो गई बात सारी चीज़ें, बाकी रिट्रैक्टेबल इन्होंने मिरर वगैरह भी जो है वो सारी चीज़ें लगाई हुई हैं। तो ये मकसद इन्होंने हर तरीके से अपने हिसाब से जो है वो फैमिली यूज़ के लिए गाड़ी रखी हुई थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल जो है ये सेल कर रहे हैं। बाकी आप लोग इंटीरियर जो है वो चेक करें, जो इसका नया वाला पैटर्न आया था आप लोग को बहुत कम गाड़ियों में जो है ये नज़र आया होगा। तो ये सारे आप लोग देख रहे हैं पावर विंडोज आप लोगों को इसके अंदर जो है वो नज़र आ रही होंगी। बाकी आप लोग डोरियाँ वगैरह देखें दरवाज़ों की, नीचे से आप लोग गाड़ी की फुटपारियाँ वगैरह देख लें, ऊपर से गाड़ी के पिलर्स वगैरह देख लें। तो नो डाउट गाड़ी इन्होंने जो है वो काफ़ी अच्छी सी जो है वो मेनटेन कर रखी है। यहाँ से आप लोग फ्रंट साइड से भी देखें गाड़ी का डैशबोर्ड वगैरह। बाकी हम बात करें गाड़ी की सीट्स की, तो फैब्रिक वाले सीट कवर्स वगैरह गाड़ी के अंदर जो है वो मेनटेन है, नीचे रबर मैट्स वगैरह डले हुए गाड़ी के अंदर। बैक साइड का डोर मैं आप लोगों को एक नज़र जो है वो दिखा दूँ। सो यहाँ से भी आप लोग गाड़ी जो है वो देख लें, यहाँ से सारी नीचे की साइड है, ऊपर से गाड़ी के पिलर्स, एंड यहाँ से आप लोग दरवाजे भी जो है वो देख लें। सो एक कंप्लीट व्यू मैंने आप लोगों को गाड़ी का इंटीरियर का दे दिया है और एक्सटीरियर का भी दे दिया। अब गाड़ी का जो इंजन रूम रहता है वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं कि भाई इंजन रूम किस तरीके से जो है वो आप लोगों को मिल रहा है। सो यहाँ से हम लोग गाड़ी का इंजन रूम भी खोल लेते हैं, भाई ये भी आप लोगों को दिखा देते हैं। तो ये आप लोग चेक कर लें। अच्छा, मीरा वाला डाला हुआ है आपने। सो मीरा वाला 660 cc इंजन जो है वो गाड़ी के अंदर इंस्टॉल है। बाकी हम बात करें गाड़ी के कुप्पे वगैरह की, तो कुप्पे वगैरह आप लोग देख लें, सर्विसिंग वगैरह होगी और मजीद जो है वो साफ़ हो जाएगी गाड़ी। अच्छा, मुझे ये चीज़ बता दीजिएगा, ये जो इसका मकसद ये सब ठीक है, वो क्लियर हो गई है, ठीक है ठीक है, मकसद ये सारी चीज़ें आपने सेपरेट करवाई हुई हैं। ड्राइव बैटरी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल है। इसी तरीके से आप लोग दूसरी साइड से भी गाड़ी को जो है वो देखें, नीचे की साइडें वगैरह जो है वो आप लोग देख लें। सो एक कंप्लीट व्यू दे दिया, आप चलते हैं जो गाड़ी के ऑनर है जरा उनसे बातचीत कर लेते हैं और मजीद मालूमात ले लेते हैं इस गाड़ी के बारे में। सो अभी हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल जब्बार भाई, जिनकी ये गाड़ी है। जब्बार भाई सबसे पहले तो कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, माशाल्लाह से। पंजाब नंबर की जो है ये गाड़ी आप लाए हुए हैं, 660 cc आपने इस पर इंजन डाला हुआ है, इंटीरियर फर्स्ट क्लास बनाया हुआ है। इस गाड़ी के बारे में बताएं, क्या हिसाब है सर इस गाड़ी का? गाड़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह 660 के बाद जो है ना माशाल्लाह, इसका एक तो एवरेज बड़ा अच्छा हुआ है, ठीक है ना, और दूसरा ये है कि घर के इस्तेमाल के लिए जो है ना फैमिली भी यूज़ कर सकती है इसको ऑटोमेटिक में, बड़ा अच्छा माशाल्लाह इसमें हमारे पास जो है लेडीज़ के लिए, लेडीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मतलब घर के कोई बच्चा सीख रहा हो नया नया वो भी इस्तेमाल कर सकता है, माशाल्लाह एवरेज भी बड़ा अच्छा है। और एसी भी इसके अंदर जो हमने ना वो उसका विड्स का डलवाया, विड्स का एसी, बड़ा चिल्ड एसी, चिल हो जाए, हाँ अच्छी चिल्ड एसी, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा जो है ना इसको से। और अच्छा अब्दुल जब्बार भाई इसके बारे में बताएं, मुझे बॉडी के बारे में बताएं, गाड़ी में बॉडी में क्या है? बॉडी में इसमें 2 या 3 मैक्सिमम पीस टचअप होंगे, फेंडर होगा आगे का, एक दरवाजा है और एक पीछे का फेंडर, ठीक है, बाकी पूरी गाड़ी जो है ये क्लियर है? हाँ गाड़ी क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो भाई ये सारी जो है वो गाड़ी की डिटेल्स हैं, गाड़ी आप लोगों ने देखी नो डाउट। अभी कोई काम इसमें अब्दुल जब्बार भाई छोड़ा है आपने, क्या अगर कोई बंदा परचेज करता है तो करवाए? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, एसी ऑन है, एसी ऑन है इसका, और गाड़ी में कोई भी काम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। एवरेज क्या दे रही है ये गाड़ी? एवरेज जो अगर आप उसको बगैर उसके एसी को चलाएंगे तो तकरीबन आ रहा है इसका 15-16 का आ रहा है, 15-16 का आ रहा है, और विदेशी वही 12-13 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। सर ये तो वही सारी बात है, गाड़ी भी हमने जो है वो दिखा दी, खासतौर पर जो हमारे पंजाब वाले भाई देख रहे होंगे उनके लिए तो बहुत अच्छा एक तोहफा है, कराची से मिल रही है गाड़ी। तो सर पैसों में क्या है ये गाड़ी?
पैसे तो खैर ज़्यादा होने चाहिए थे, मगर बस वो छोटा सा हुआ है कि CPCL वॉइस थी वो क्लियर हो गई, लाजिम बात है उसने फिर लोग कहते हैं कि यार ये CPL सी जो वॉइस हुई वो किस वजह से हुई ये थोड़ा सा गाइड कर दो। चोरी हुई मतलब पार्किंग से चोरी हुई ना, ठीक है, तो उसके बाद फिर मिल गई थी, जब मिली थी तो फिर जो है ना उसके बाद लाजिम बात है यानी कि CPL सी इस वजह से हुई कि पार्किंग से चोरी हो उसके बाद गाड़ी आप लोगों को रिटर्न मिल गई। बाकी इसके अलावा पेपर नंबर प्लेट हर चीज सब क्लियर है गाड़ी की। अच्छा नंबर प्लेट जो है ना इसकी, नंबर प्लेट नहीं है, नंबर प्लेट भी इसकी वो चली गई थी मगर डुप्लीकेट इशू हो जाएंगी, उसके सारे FIR वगैरह सब मौजूद है, ठीक है, यानी कि नंबर प्लेट की भी FIR आपके पास जो है मौजूद है और डुप्लीकेट निकलवानी पड़ेगी जो भी बंदा लेगा, अभी नाम करवाएंगे तो निकलवाएंगे, ठीक है। तो भाई ये सारी डिटेल्स हैं, पैसे कम है वरना तो आपको अच्छा पता है बिल्कुल, हाँ वो ढाई तकरीबन 3 लाख का तो इंजन और गियर ये सब पैसों में क्या है अभी ये बता दें। देखिए डिमांड तो हम 10 की कर रहे हैं, जो बेस्ट ऑफर आगे तो इंशाल्लाह उसको फिर, ठीक है, तो भाई 10 लाख रुपए जो है वो गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं लेकिन बेस्ट ऑफर चलेगी, अच्छी ऑफर जो बंदा देगा उसको ये गाड़ी मिल जाएगी, ऐसा ही है बिल्कुल। अपना नंबर शेयर कीजिएगा 0316-0316-16-16-17-064-064। और कराची में कहाँ विजिट कर सकते हैं ये गाड़ी? कराची में ये देख सकते हैं नॉर्थ नाजमाबाद में, ठीक है, नॉर्थ नाजमाबाद में ये गाड़ी आप लोग विजिट कर सकते हैं। चलें शुक्रिया बहुत बहुत। 2016 की मेहरान अभी हम लोग के पास मौजूद है, तो जो भी हमारे भाई थे जिन्होंने बोला था कि एहसन भाई 2016 की मेहरान जो है वो दिखा दिएगा, सो ये गाड़ी जो है वो देखना है, कुछ पीस जो है वो इसके टचअप हैं, बाकी गाड़ी जो है ये जेन्युइन पे है। लाइट्स वगैरह गाड़ी की देखें आप लोग, फ्रंट साइड वगैरह देखें, गाड़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में जो है वो आप लोग मिल रही है। तो जो भी हमारे फैमिली वाले भाई थे जो खासतौर पर बोलते हैं कि एहसन भाई ऐसी गाड़ी दिखा दें जो तैयार हो, यानी कि कुछ करवाने की ज़रूरत ना हो, लेके जो है वो चला सकें, तो ये गाड़ी देखना है। अंदर से इंटीरियर वगैरह भी पूरा गाड़ी का जो है बना हुआ, ऊपर से कलर वगैरह हर चीज़ जो है वो गाड़ी की मेंटेन है, कोई स्क्रैच कोई डेंट्स वगैरह गाड़ी के ऊपर जो है मौजूद नहीं है। बाकी इसी तरीके से अगर हम गाड़ी की बैक साइड की बात करें तो बैक साइड भी मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाऊँ, तो यहाँ से आप लोग देख लें दोनों लाइट्स वगैरह गाड़ी की बिल्कुल न्यू जो है वो आप लोगों को मिल रही हैं, पूरा साफ़ सुथरा जो है वो एक गाड़ी का लुक आप लोगों को नज़र आ रहा हो कि हाँ भाई गाड़ी जो है वो आप लोग साफ़ सुथरी जो है वो मिल रही है। बाकी इसी तरीके से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्लियर है, यहाँ पर भी कोई स्क्रैच कोई डेंट्स वगैरह जो है वो गाड़ी के ऊपर आप लोगों को नज़र नहीं आ रहे होंगे। चलते हैं इसी तरीके से गाड़ी का इंटीरियर देखते हैं, सो यहीं से मैं आप लोगों को गाड़ी का इंटीरियर वगैरह दिखाता हूँ गाड़ी का, सो ये आप लोग जो है वो चेक कर लें, इस तरीके से है गाड़ी। अच्छा 3 या 4 पीस जो है वो गाड़ी के टचअप हैं, बाकी ये क्या ओरिजिनल है मैं वो भी अभी आप लोगों को बता दूंगा कि कौन से पीस टचअप हैं। बाकी आप दरवाजे वगैरह देख लो, गत्ते वगैरह देखो, नीचे की साइडें वगैरह देख लो, ऊपर से गाड़ी के पिलर्स देखो। अंदर आए थे हम लोग गाड़ी की अगर बात करें गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड वगैरह गाड़ी का कंप्लीट है, साफ़ सुथरा है, MP3 प्लेयर वगैरह लगा हुआ है, सेंटर कंसोल लगा हुआ है, गाड़ी की सीट्स वगैरह बिल्कुल न्यू सी जो है बनी हुई, ऊपर अंदर शॉपर्स वगैरह जो है वो चढ़ा के इन्होंने रखा हुआ है, तो यानी कि अंदर से भी गाड़ी इन्होंने अपने हिसाब से कंप्लीट और क्लियर जो है वो रखी हुई है। बाकी आप लोग इसी तरीके से बैक साइड भी देख लो, बैक साइड के डोर भी बिल्कुल साफ़ हैं, कॉर्नर्स वगैरह भी दरवाज़ों के साफ़ हैं, ऊपर से गाड़ी के पिलर्स भी साफ़ हैं, सीट्स जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सारे कवर्स वगैरह न्यू बने हुए हैं और अंदर से बिल्कुल साफ़ सुथरा करके इन्होंने रखा हुआ है। बाकी इसका गाड़ी का जो है वो इंजन रूम देख लेते हैं हम लोग, इंजन रूम से जो है वो गाड़ी आप लोगों को किस तरीके से मिलती है, तो यहीं से हम लोग इंटर हो जाते हैं गाड़ी के इंजन रूम की तरफ, तो ये आप लोग जो है वो चेक करें, नॉट आउट इंजन रूम भी गाड़ी का जो है वो सुथरी कंडीशन में इन्होंने रखा हुआ है। फ्रंट पट्टी वगैरह आप लोग गाड़ी की जो है वो देखो, गाड़ी के कुप्पे यहाँ से जो है वो आप लोग देखो बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहे होंगे, बैक की सीट पूरी जो है वो देखें, टिकली वगैरह जो है वो गाड़ी में लगी हुई है, इसी तरीके से दूसरी साइड का कुप्पा भी जो है वो गाड़ी का आप लोग देखें, तो एक कंप्लीट व्यू मैंने आप लोगों को गाड़ी का जो है वो यहाँ से दे दिया। अब चलते हैं जो गाड़ी के ऑनर हैं, ज़रा उनसे बातचीत कर लेते हैं और मालूम करते हैं कि भाई गाड़ी का क्या हिसाब किताब उन्होंने जो है वो रखा हुआ है। सो वकास भाई अभी हमारे साथ मौजूद हैं, वकास भाई गाड़ी तो आपकी जो है माशाल्लाह से हमने दिखा दी है, बाकी आप ये मुझे बताएं गाड़ी का क्या हिसाब किताब है सर इस गाड़ी का? सर इसका हिसाब किताब ये है कि इसमें 3 से 4 पीस चेकअप हैं और क्या कहते हैं बाकी टोटल जेन्युइन है और इंजन ओके, एसी ऑन है, VXR है कंपनी की ओरिजिनल, कोई CNG लगी भी नहीं है ना लग के निकली है, ओरिजिनली थ्रू पेट्रोल है और फर्स्ट ओनर गाड़ी है ये, जिसके अंदर जो है ना टायर AC सस्पेंशन गियर हर चीज़ ओके अच्छा। ठीक है, यानी कि आपके हिसाब से हर चीज़ जो है वो गाड़ी की वर्किंग में, कोई काम अभी अगर कोई लेता है बंदा उसको करवाने की जरूरत कोई जरूरत नहीं है जी। और एवरेज वगैरह में क्या हिसाब किताब है इस गाड़ी का? मैं सर ये 18-17 आराम से देती है शहर में, यानी कि बगैर AC के, ठीक है, और AC के साथ ये 15 आराम से देती है। अच्छा इसके अलावा चली भी कितना है ये गाड़ी? ये चली भी कुछ 78,000 समथिंग कुछ चली हुई है इसकी। ओरिजिनल नंबर प्लेट्स वगैरह सब आपके पास रखी हुई है? नंबर प्लेट इसकी ओरिजिनल फाइल में, CPLC फाइल, CPLC क्लियर है, टैक्स क्लियर है, रिटर्न फाइल है, December 23 तक टैक्स इसका अपडेट है। अच्छा ओनर कितने इस गाड़ी के? ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है। क्या आपने इसकी डिमांड रखी है? इसकी डिमांड सर 9.5 लाख रुपए रखी है। ठीक है, और कुछ मुनासिब सर हमारे व्यूअर्स सर आपके व्यूअर्स के लिए कि थोड़ी बहुत कमी पेशी हो जाएगी, ज़्यादा नहीं।
ठीक है, यानी कि नॉर्मल कमी हो जाएगी, बहुत ज्यादा वाला सीन नहीं है। तो 9.5 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं, 2016 का मॉडल है, गाड़ी आप लोगों को दिखा दिए। इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वकास भाई को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मजीद मालूम दे सकते हैं, अपना नंबर शेयर कीजिएगा 0330-2370-2375-708-708। तो ये जो है वकास भाई का नंबर है। वकास भाई गाड़ी कहाँ देख सकते हैं कराची में? सर ये आप नॉर्थ कराची में देख सकते हैं। ठीक है, नॉर्थ कराची में ये गाड़ी आप लोग विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत वकास भाई। 2018 की मेहरान अभी हम लोगों को जो है वो मिल चुकी है। तो जो भी हमारे भाई थे जो बोल रहे थे कि हसन भाई मेहरान को ही दिखे आगे का मॉडल, तो जो है वो जरूर दिखा देगा। तो ये गाड़ी जो है वो आप लोग देख लें, साइडें वगैरह जो है वो गाड़ी की आप लोग चेक करें, गाड़ी की फ्रंट साइड वगैरह जो है वो चेक करें। बाकी हमारे भाई ने स्पीकर बंद कर दिया, भाई शुक्रिया आपका। तो ये भाई ने भी थोड़ी सी हमारे लिए जो है वो बेचारे अपना जो है वो स्पीकर वगैरह बंद कर देते हैं। बाकी यहाँ से आप लोग साइडें वगैरह देख लें गाड़ी की, फ्रंट की लाइटें वगैरह गाड़ी की बिल्कुल ओके हैं, साफ़ सुथरी हैं। इसी तरीके से गाड़ी की बैक साइड वगैरह भी जो है वो हम लोग चेक करते हैं, गाड़ी की बैक साइड किस तरीके से जो है वो आप लोगों को मिलती है। तो यहाँ से आ गए हम लोग गाड़ी की बैक साइड पे, बैक साइड किस तरीके से जो है वो आप लोगों को मिल रही है। दोनों लाइट्स वगैरह जो है वो आप लोगों की जो है वो देख लें। बाकी इसके अलावा नंबर प्लेट्स अभी इन्होंने निकाली हुई है, जो गाड़ी के ऑनर है जब उनसे मज़ीद बातचीत करेंगे तो और डिटेल्स वगैरह आप लोगों को गाड़ी की जो है बता देंगे। रूफ़ वगैरह गाड़ी की नज़दीक से मैं आप लोगों को जो है वो एक नज़र दिखाऊँ, तो यहाँ से आप लोग जो है वो एक नज़र देख लें। बाकी इंटीरियर वगैरह चेक करते हैं गाड़ी का, इंटीरियर से गाड़ी किस तरीके से आप लोगों को जो है मिलती है। तो यहाँ से भी आप लोग देखें गाड़ी के दरवाजे वगैरह जो है वो आप लोग देख लें, साइडें वगैरह भी जो है वो आप लोग देखें। इसी तरीके से गत्ते वगैरह गाड़ी के साफ़ हैं, फुटपारियाँ वगैरह आप लोग जो है वो देख लो। ऊपर से गाड़ी के आप लोग गाड़ी के पिलर से एक नज़र जो है वो देखो। अंदर आ जाते हैं गाड़ी के डैशबोर्ड वगैरह की बात करते हैं, तो गाड़ी के डैशबोर्ड भी जो है वो आप लोग देखें। बाकी मीटर पे जो है 56,000 जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे, बाकी कंप्लीट है। और सीट्स वगैरह की अगर बात करें तो पूरी सीट्स वगैरह इन्होंने बनवाई हुई हैं, और इसके ऊपर जो है वो ऊपर पूरी जो है वो यानी कि शॉपर्स वगैरह चढ़ा के साफ़ करके जो है वो रखा हुआ है। गाड़ी बैक साइड से भी मैं आप लोगों को जो है वो एक नज़र दिखा दूँ, तो यहाँ से भी जो है वो आप लोग एक नज़र जो है वो देखें। अंदर से पूरी बैक साइड जो है वो गाड़ी के आप लोग देख लें। इसके अलावा गत्ते वगैरह गाड़ी के जो है वो आप लोग देखें, यहाँ से साइडें वगैरह जो है वो आप लोग देखें। बाकी चलते हैं चल के गाड़ी का जो है वो एक नज़र इंजन रूम भी देख लेते हैं, इंजन रूम से गाड़ी आप लोगों को किस तरीके से जो है मिलती है। तो यहाँ से आ चुके हैं हम लोग गाड़ी के इंजन रूम की तरफ, तो ये आप लोग जो है वो चेक कर लें। फ्रंट पट्टी वगैरह जो है वो आप लोग देखें, बाकी यहाँ से साइडें वगैरह जो है वो आप लोग देख लें, गाड़ी के कुप्पे जो है वो देखें। गाड़ी नॉट आउट अंदर से बिल्कुल साफ़ सुथरी जो है वो रखी हुई इन्होंने, दूसरी साइड का कुप्पा भी जो है वो आप लोग देखें। तो एक कंप्लीट व्यू गाड़ी का जो है मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब जो गाड़ी के ऑनर हैं उनके पास चलते हैं, उनसे मज़ीद मालूम ले लेते हैं। अजीम भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अजीम भाई गाड़ी के बारे में बताएं, गाड़ी इंजन से सस्पेंशन से कैसी गाड़ी है सर ये? गाड़ी सर बिल्कुल ये जीरो जैसी है, 2018 मॉडल है, 2019 की रजिस्टर है और इसकी डिमांड है 12 लाख रुपए। अच्छा बॉडी में बात करें गाड़ी क्या है, कोई पीस टचअप? बॉडी वाइज तकरीबन जेन्युइन है गाड़ी, तकरीबन यानी कि एक दो पीस बोल सकते हैं। हाँ एक दो पीस बोल सकते हैं। और चली भी कितना बताई सर ये आपने मुझे गाड़ी? ये मेरे ख्याल से 56,000 है। 56,000 जो चली। और एवरेज वगैरह क्या देती है एक लीटर में? तकरीबन ये एक लीटर में 22 किलोमीटर 22 किलोमीटर का जो 20 से 22 किलोमीटर, तो काफी अच्छा जो है ये एवरेज है। ऑनर कितने सर गाड़ी के? फर्स्ट ओनर है गाड़ी। क्या डिमांड रखी है आपने गाड़ी सर? 12 लाख रुपए 12 लाख रुपए। सो 12 लाख रुपए गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं। 2018 का मॉडल है, 2019 की जो है वो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है। इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना नंबर शेयर कीजिएगा। सर नंबर मेरा है 0306-3526-3526-3526-0020। एक दफा खुद बता दीजिएगा, 0306-3526-0020। ठीक है, ये जो है भाई का नंबर है। अच्छा एसी वगैरह ऑन है ना गाड़ी? सर ये कंपनी है, एसी वगैरह ऑन है सर, सारी चीज़ें। चले शुक्रिया। सो फाइनल दोस्तों ये थी आज की वीडियो, होपफुली ये वीडियो जो है वो आप लोगों को पसंद आएगी। तो भाई और किसी को कोई गाड़ी चाहिए हो तो नीचे आप लोग जो है वो गाड़ी का मॉडल लिख दिएगा और गाड़ी का नाम लिख दिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो आप लोग इन्हें ज़रूर वो गाड़ी ढूंढ लेंगे। इसके अलावा जितनी भी गाड़ियाँ हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं, अगर किसी की भी आप लोग को इंस्पेक्शन वगैरह करवानी हो कि भाई गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, गाड़ी के कितने पीस टचअप हैं, तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर जो है वो नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और जब भी आपका कोई सौदा हो रहा हो आप उसके बाद जो है इंस्पेक्शन हमसे करवा सकते हैं, और काफ़ी मुनासिब पैसों में कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं ले, 3,000 रुपये में जो है वो इंस्पेक्शन वगैरह हम लोग कर देते हैं, जिसमें हर चीज़ आप लोगों को गाड़ी के कितने पीस टचअप हैं, गाड़ी में इंजन में कोई काम, सस्पेंशन में, हर चीज़ जो है वो आप लोगों को बताते हैं। तो होपफुली यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में।